नमस्कार दोस्तों दोस्तों यह है हीरो होंडा का बाइक। अगर आपके पास इस तरह का बाइक हो और उसमें हेड के तरफ में बहुत ज्यादा आवाज आ रहा है, बहुत ज्यादा नॉइज हो और इंजन गर्म हो रहा है, माइलेज सही नहीं है और पिकअप सही नहीं आ रहा, गाड़ी स्पीड नहीं लेती है, तो ये वीडियो आप लास्ट तक देखें, आप इसे बड़ी आसानी से ठीक कर पाएंगे। दोस्तों इंजन के ऊपरी हिस्से में अधिकतर नॉइस यानी बहुत ज्यादा आवाज आने का कारण होता है टाइपिट्स का लूज होना। तो दोस्तों इस वीडियो में हम टाइपिट्स को सेट करेंगे और बताएंगे कि आप घर बैठे घर पर ही बड़ी आसानी से टाइपिट्स को कैसे सेट कर सकते हैं। दोस्तों अगर टाइपिट्स ढीला हो जाए तो इंजन में बहुत ज्यादा आवाज आने लगता है, नॉइस आने लगता है, गाड़ी का माइलेज कम हो जाता है और बाइक पिकअप नहीं पकड़ पाती, गाड़ी का परफॉर्मेंस बिल्कुल ही खराब हो जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। ये जो ऊपर का नट है, ठीक है, और एक साइड में यहाँ पर नट है, इसे हमें खोलना पड़ेगा। तो ये जो नट है ये कार्बोरेटर साइड की तरफ होता है, इसे इनलेट कहते हैं, ठीक है, और यहाँ से एग्जिस्ट करता है यानी यहाँ से बाहर निकलता है जहाँ पर साइलेंसर लगा होता है। तो चलिए सबसे पहले हम इसे खोल लेते हैं। इसे खोलने के लिए दोस्तों 17 नंबर का पाना लगेगा, तो 17 नंबर का पाना से बड़ी आसानी से खुल जाता है, ठीक है। तो ये खुल गया दोस्तों, अब हमें इस कैप को खोलना होगा, इस कैप को खोलने के लिए दोस्तों यहाँ देख सकते हैं इस साइड में इस प्लग को निकाल देंगे और ये जो नट है इसे खोल लेते हैं। तो ये खोलने से उधर का ढक्कन खुल जाएगा बड़ी आसानी से। तो ये खुल गया है, अब ये ढक्कन निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इसमें एक पैकिंग होता है, पैकिंग को रहने देंगे। अब दोस्तों इसमें देख सकते हैं कि इसमें एक मार्क लगा है, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं कि मार्क है। तो ये जो मार्क जो है ये मार्क, और यहाँ पर देख सकते हैं कि एक कट लगा है, ठीक है, आपको दिखा देता हूँ इसको पैकिंग को निकाल कर। तो देख सकते हैं कि यहाँ एक कट लगा है, तो ये मार्क जो डॉट है और यहाँ कट लगा है, इसको हम मैच करेंगे। तो मैच करने के लिए दोस्तों सबसे पहले यही करना होगा, टाइपिट सेट करने से पहले यही मैच करना पड़ता है। तो देख सकते हैं कि ये जो डॉट है और ये जो कट है ये आपस में मैच हो गया है, ठीक है। यहाँ डॉट और यहाँ मैच होने का मतलब होता है कि इसका जो पिस्टन है, पिस्टन टॉप पे आ गया है, सबसे ऊपर आ गया है, ठीक है, हेड की तरफ टॉप पे आ गया है। दोस्तों बाइक 3000 से लेकर 4000 किलोमीटर चलने के बाद इसके टाइपिट्स को सेट करना चाहिए। अगर 3 से 4000 किलोमीटर चलने के बाद इसे सेट करते हैं तो बाइक का परफॉर्मेंस हमेशा सही रहेगा और आपका बाइक जल्दी खराब नहीं होगा और बाइक में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम इसे सेट कर लेते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों कि यह है रॉकर आर्म और ये जो है ये जो चक नट दिया हुआ है, इस चक नट को एडजस्टर बोलते हैं, जिसे एडजस्ट किया जाता है। तो इसको हम खोलना पड़ेगा, खोलने के लिए 9 नंबर का पाना चाहिए, तो इसे हम खोल लेते हैं। दोस्तों बाइक चलते चलते ये जो एडजस्टर है और जो नीचे वाल्व लगा है वो वाल्व में घर्षण होता है और घर्षण के कारण ये एडजस्टर नीचे से घिस जाता है, घिसने कारण ये इस तरह ढीला हो जाता है, ठीक है। ढीला होने के कारण बाइक में बहुत ज्यादा नॉइस आने लगता है, बाइक ज्यादा आवाज करने लगता है, इंजन गर्म होने लगता है और माइलेज भी सही से नहीं देता, पिकअप भी नहीं पकड़ता है। तो इसके चलते बाइक का परफॉर्मेंस बिल्कुल ही बिगड़ जाता है। तो इसे हम परफेक्टली सेट करेंगे, ठीक है दोस्तों, और बताएंगे कि घर पर ही आप बड़ी आसानी से इसे कैसे सेट कर सकते हैं। दोस्तों इसे सेट करने के लिए ये रॉकर आर्म जो एडजस्टर है और वाल्व दोनों के बीच में परफेक्ट क्लियरेंस रहना चाहिए। तो कंपनी के अकॉर्डिंग इसमें 0.05 mm का क्लियरेंस रहना चाहिए, लेकिन दोस्तों इसमें एक तरह का गेज आता है जो लगाकर इसे सेट किया जाता है, ठीक है, एक तरह का पत्ती आता है, तो उस पत्ती की मोटाई 0.05 mm होता है जो यहाँ पर लगाकर सेट किया जाता है। लेकिन दोस्तों अगर डेफिनेटली आप घर पर सेट कर रहे हैं तो ये पत्ती आपके पास नहीं होगा, तो इसके लिए ये जो सेविंग ब्लेड होता है तो उस ब्लेड को लगाकर भी आप बड़ी आसानी से इसे सेट कर सकते हैं। तो इसके नीचे इस तरह इसे खोल कर और इस एडजस्टर को ढीला कर लेंगे और नीचे ये ब्लेड लगा देंगे इस तरह, ठीक है। अब इसे धीरे धीरे टाइट करेंगे। दोस्तों इसे टाइट करने के लिए एक टूल आता है, लेकिन जब आप घर पर सेट कर रहे हैं तो इसे प्लास से भी टाइट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह आप टाइट करेंगे, इसको ढीला कर लेंगे, नट को ढीला करेंगे और इसे जो एडजस्टर है जो स्क्रू है उसको हम टाइट करेंगे।
और इतना टाइट करेंगे दोस्तों कि ये स्लाइड हो, ठीक है। ये ब्लेड जो है ये इस तरह स्लाइड हो, देख सकते हैं ये स्लाइड हो रहा है आसानी से, तो इतना ही टाइट करेंगे। अब देख सकते हैं कि ये रुक गया है, बिल्कुल ही रुक गया, अब नहीं टाइट हो रहा है और ये ब्लेड स्लाइड हो रहा है और इसको खींच रहे हैं तो हिल नहीं रहा है, ठीक है दोस्तों। तो ये बढ़िया से परफेक्टली ये चिपक गया है। अब इसे हम टाइट करेंगे, इस नट को हम टाइट करेंगे। इसे टाइट करने के लिए 9 नंबर का पाना लगता है, तो यहाँ पर इसको टाइट करेंगे। और इसके पहले अगर प्लास हो तो प्लास से इसका जो स्क्रू है उसे प्लास से पकड़ लेंगे ताकि ये घूमे नहीं, घूमना नहीं चाहिए, नहीं तो ज्यादा टाइट हो जाएगा। तो इसे हम पकड़ लेते हैं, ठीक है, पकड़ कर अब इसे हम टाइट करते हैं, ठीक है। तो ये टाइट हो गया, अब देख सकते हैं कि ये स्लाइड हो रहा है ऊपर नीचे, देख सकते हैं। अब इसे हम खींच लेंगे, ठीक है। मैंने ये खींच लिया और देख सकते हैं कि ये बिल्कुल ही हिल नहीं रहा है, यानी हल्का क्लियरेंस, ब्लेड जितना क्लियरेंस इसके अंदर है, ठीक है। तो दोस्तों अगर इसे आप परफेक्ट नहीं सेट कर पाए तो दिक्कत हो सकता है, तो मैंने जिस तरह बताया उस तरह आसानी से आप सेट कर सकते हैं। अगर बाय चांस आपने इसे ज्यादा टाइट कर दिया तो ये वाल्व को दाब देगा, यानी वाल्व दब जाएगा और अंदर से वाल्व लीक करना शुरू कर देगा, जिसके कारण से बाइक का स्टार्टिंग प्रॉब्लम हो जाएगा, बाइक सही से स्टार्ट नहीं होगा, माइलेज सही नहीं होगा और इसका पिकअप भी और खराब हो जाएगा, पिकअप नहीं ले पाएगा, गाड़ी जो खिंचाव है बाइक का वो भी कम हो जाएगा। तो इस तरह बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगा। कभी कभी ये ज्यादा टाइट होने से इधर से धुआं भी आने लगता है, यानी इनलेट से होकर धुआं भी आने लगता है। तो इसका ख्याल रखें कि कभी भी इसे ज्यादा टाइट ना करें। अगर इसे ढीला छोड़ देते हैं तो बाइक में बहुत ज्यादा नॉइस आने लगेगा, बाइक बहुत ज्यादा आवाज करने लगेगा और माइलेज सही नहीं होगा, इसमें भी माइलेज सही नहीं होगा, बाइक का पूरी परफॉर्मेंस बिगड़ जाएगा, ठीक है दोस्तों, और बाइक पिकअप भी नहीं लेगा। और दोस्तों इंजन गर्म होने से इंजन में जो ऑयल लगता है वो ऑयल भी गर्म हो जाएगा, जिसके कारण से बाकी जब इंजन का जो पार्ट्स है, जो घूमने वाले पार्ट्स हैं, वो भी घिसने लगेंगे और बाइक जल्दी खराब हो जाएगा। तो इसका ध्यान रखें कि इसे ज्यादा ढीला ना छोड़ें और इसे ज्यादा टाइट भी ना करें। ये परफेक्ट रूप से टाइट हो गया है, मैंने जिस तरह किया उस तरह आप कर सकते हैं। तो इसके अंदर 0.05 mm का क्लियरेंस रहना चाहिए। ये हीरो होंडा का बाइक में कंपनी के अकॉर्डिंग ये सही क्लियरेंस है, इसे मैं परफेक्टली सेट कर दिया हूँ। उसी तरह एग्जस्ट वाला भी जो आउटलेट है, जो साइलेंसर की तरफ है वाल्व, उसे भी उसी तरह आप ब्लेड लगाकर सेट कर सकते हैं। तो मैं इसे सेट कर दिया हूँ, इस ढक्कन को हम लगा देते हैं, ठीक है। अब इसे भी हम लगा देंगे, तो मैं यहाँ लगा देता हूँ, अब टाइट कर लेता हूँ इसे। तो दोस्तों बड़ी आसानी से आप बाइक का टाइपिट सेट कर सकते हैं और इसके बाइक का माइलेज, स्टार्टिंग प्रॉब्लम और इसका पिकअप, इसका टोटल परफॉर्मेंस को बढ़ा सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, इस वीडियो से कुछ न कुछ सीखने को मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।